हाय गाइज, सिनेमैटिक रिएक्शंस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मलयालम मूवी ड्राइविंग लाइसेंस की रीमेक मूवी सेल्फी आपकी नजदीकी सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है, जिसमें लीड में है इमरान हाशमी, अक्षय कुमार, डायना पिंटी, नुसरत भरोचा जैसे स्टार्स। तो कैसी है ये मूवी, मुझे ये मूवी कैसी लगी, क्या आपको ये मूवी देखनी भी चाहिए या नहीं, इन सभी सवालों के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर कुछ मिस नहीं करना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो बात करें मूवी की, तो दोस्तों पहले तो ये मूवी रीमेक है, ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि आजकल मूवीज अच्छी भी हो ना तो क्रिटिक्स या फैंस वो मूवी रीमेक है इस वजह से नहीं देखते या इग्नोर कर देते हैं। और अगर मूवी साउथ की रीमेक है तो भाई इस मूवी को तो ऊपर वाला ही बचा सकता है, क्योंकि अभी के ऑडियंस को लगता है कि साउथ इंडस्ट्री बहुत अच्छी मूवीज बनाती है और इसका रीमेक कचरा ही होगा। तो रीमेक का पॉइंट हटा दीजिए, हम सेल्फी को ओरिजिनल मूवी से आज कंपेयर नहीं करेंगे। तो अब बात करते हैं मूवी की स्टोरी की, तो स्टोरी सेम है जैसा हमने ट्रेलर में देखा था। मूवी में एक सुपरस्टार है विजय कुमार, जिनके कई चाहने वाले हैं। इन्हीं में से एक फैन है ओम प्रकाश अग्रवाल, जो भोपाल में रहता है। एक दिन विजय कुमार की मूवी की शूटिंग भोपाल में होती है और ओम प्रकाश को विजय सर के साथ एक सेल्फी चाहिए। अब जैसे मूवी आगे बढ़ती है, ओम प्रकाश को पता चलता है कि विजय सर का ड्राइविंग लाइसेंस कहीं पर खो गया है और एक फैन होने की वजह से वो उन्हें अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिला के रहेंगे। लेकिन उनकी बस एक ही ख्वाहिश है कि वो भोपाल आरटीओ ऑफिस आए और एक सेल्फी दे दे। उसी वक्त ओम प्रकाश और विजय के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और यहाँ से मूवी टर्न लेना शुरू करती है। तो अब आगे क्या होगा, क्या विजय को अपना ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा, क्या ओम प्रकाश अग्रवाल सेल्फी ले पाएंगे, ये सब जानने के लिए आपको देखनी होगी ये मूवी। अब दोस्तों बात ये आ जाती है कि ट्रेलर में तो सब कुछ देख लिया, तो मैं ये मूवी क्यों देखूं? तो दोस्तों मैंने ये मूवी देखी है और सच बोलूं तो मैंने काफी एंजॉय किया इस मूवी को। मूवी अपने पहले सीन से आपको हंसाना चालू कर देगी। बीच बीच में कुछ जोक्स क्रिंजी है, लेकिन पूरी मूवी में आपको इमोशन, कॉमेडी, एक्शन ये सब देखने को मिलेगा और ये पूरी फैमिली एंटरटेनर मूवी है। अब एक्टिंग की बात करें तो अक्षय सर ने विजय कुमार का कैरेक्टर बखूबी निभाया है। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी बायोपिक मूवी कर रहे हैं। इमरान सर ने ओम प्रकाश अग्रवाल का कैरेक्टर बहुत ही अच्छी तरह से प्ले किया है और पूरी मूवी में उन्होंने अपने भोपाली टोन को नहीं छोड़ा। इमरान सर ने अपने इमोशन और कॉमेडी मूवी से अदर कास्ट को ओवरशैडो किया है। डायना पेंटी ठीक ठाक थी और नुसरत भरोचा भी ठीक ठाक थी। पूरी मूवी हमें ओम प्रकाश अग्रवाल कैरी करते हुए नजर आते हैं। मूवी को डायरेक्ट किया राज मेहता ने, जिन्होंने इससे पहले जुग जुग जियो और गुड न्यूज जैसी मूवीज बनाई है जो की बहुत अच्छी थी, लेकिन इनका डायरेक्शन सेल्फी में थोड़ा सा फीका रह गया। मैंने तो काफी एंजॉय किया मूवी को, होप आप भी करोगे। तो ये थे हमारे थॉट्स सेल्फी मूवी के बारे में। अगर आपने ये मूवी देखी है तो आपको ये मूवी कैसी लगी आप हमें कमेंट कर बताइए। मिलते हैं आप सभी से आपके अपने चैनल पर किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर। मेरे और मेरे बेटे का भी सपना है अपने सुपरस्टार के साथ एक सेल्फी लेने का।